कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। खाद्य तेल बाजारों में क्या खरीदारी का सही समय है? क्या खाद्य तेल बाजारों में यहाँ खरीदारी करें? न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों के भाव और मार्केट का ट्रेंड, बाजारों में किस तरीके से आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर बिकवाली करनी है, इसकी लेवल आपको बताएंगे और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताएंगे कि कहाँ पर इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले खाद्य तेल बाजारों में बात करते हैं सोया ऑयल से। सोया ऑयल में जैसे कल देखा गया 123 रुपये बाजारों पर कामकाज हुआ। कल बाजारों में एक बड़ी र्यूमर भी चलती रही कि सरकार ने जैसे कि बताया कि सोया ऑयल पर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। लगातार दो महीने से आप देख रहे हैं कि मंदी की चपेट में पूरा खाद्य तेल बाजार मंदी की चपेट में कामकाज कर रहा है। व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, आम जनता को तो राहत है लेकिन व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को भी जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी आप देख रहे हैं जो ड्यूटी है बिल्कुल जीरो है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ड्यूटी जीरो होने की वजह से सरकार को भी कोई रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार भी अगर बाजार नीचे आए हैं तो सरकार कोशिश करेगी यहाँ से अगर ड्यूटी लग जाती है तो। अभी कल कोई कन्फर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं आया लेकिन बड़े ट्रेड सोर्सों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार कोशिश कर सकती है अगर यहाँ पर अगर ड्यूटी लगाती है तो बाजारों में यहाँ पर जो लगातार गिरावट आ रही है उसमें कुछ बढ़त देखने के लिए मिलेगी और बाजारों में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो बाजारों में व्यापार भी निकल सकता है क्योंकि अभी बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं मंदे होने की वजह से व्यापार भी बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। तो सरकार कल जो दिन भर र्यूमर रही उसका ट्रेड नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, अभी सिर्फ र्यूमर है, मीडिया सूत्रों के हवाले से सिर्फ खबर आ रही है। इसी के तहत कल सोया ऑयल के भाव में अगर प्लांटों के भाव की बात करें तो कल सभी सोया प्लांटों ने अपने भाव की सेल बंद कर दी थी क्योंकि ड्यूटी लगने की जो र्यूमर की वजह से बाजारों में कोई भी सेल नहीं दी गई। आज जो कल बाजारों में लास्ट जो अपडेट हुआ था उसका रेट आपको बता देते हैं। सोया ऑयल 123 रुपये पर बाजारों में बोला गया, पामोलिन का भाव 121 रुपये तक, राइस ब्रान ऑयल का भाव 115 रुपये तक, मस्टर्ड ऑयल का भाव जो रहा 138 रुपए तक बोला गया। सोयाबीन सीड में गिरावट आई, सोयाबीन सीड का भाव 6050 हुआ। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोयाबीन में सोया ऑयल में जो ड्यूटी बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट आपको सोयाबीन के बाजारों में भी देखने के लिए मिलेगा और सरसों के बाजार में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पामोलिन में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा क्योंकि पामोलिन में जो माल अधिकतर जो अभी आने वाला है आने समय में उसका प्रेशर साफ साफ आपको केएलसी के बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं और बाजारों में मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी आपको बताते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर जो लेवल है अच्छे लेवल है, यहाँ पर आप 8 से 10 दिन की खरीदारी करके चल सकते हैं। लगातार 3 दिन से न्यूज़ मार्केट 24 आप लोगों को लेवल दे रहा है कि यहाँ पर आप खरीदारी के सही लेवल हैं, इसके आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंटरनेशनल बाजारों की स्थिति की बात करें तो कल -20 रिंगिट के साथ केएलसी बाजार बंद हुआ, केएलसी बाजार बंद हुआ, कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा गया। घरेलू बाजारों में कल ड्यूटी की रूमर की वजह से काफ़ी बाजारों में हलचल का माहौल देखा गया। आज इंटरनेशनल बाजारों में हॉलीडे होने के कारण केएलसी क्लोज रहेगी। आज जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेस्टेंस लेवल क्या है। सोया का सपोर्ट की बात करें तो सोया का सपोर्ट का लेवल 122 रुपये, रेस्टेंस का लेवल 124 रुपये है। पामोलिन की अगर बात कर लेते हैं तो सपोर्ट का लेवल 119 रुपये, रेस्टेंस का लेवल 121 रुपये। इसी तरीके राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 114 रुपये, रेस्टेंस का लेवल 116 रुपये। मस्टर्ड सीड में भी सपोर्ट की बात कर लेते हैं, मस्टर्ड सीड में भी बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। मस्टर्ड सीड में सपोर्ट की बात करें तो 6300 रुपये, रेस्टेंस का लेवल 7100 रुपये। इसी तरीके सोयाबीन का सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सोयाबीन का सपोर्ट 6000 रुपये, रेस्टेंस का लेवल 6500 रुपये। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद तेल बाजारों में ये लेवल में सपोर्ट के आसपास है, बाजारों में लगातार अपने लोअर के आसपास ही बाजारों में कामकाज कर रहा है। तो बाजारों में यहाँ पर खरीदारी का लेवल सही है, यहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चलें और आगे आने वाले समय में अपने कैपेसिटी के अनुसार से आप लोग खरीदारी करके ज़रूर चलें क्योंकि आगे मंथ में देखा जाएगा, अगले मंथ में त्यौहार वगैरह जो अभी आएंगे और मार्केट ऑलरेडी लोअर लेवल पर, अगर सरकार ने ड्यूटी वगैरह लगाई तो बाजारों में एक जबरदस्त बढ़त आप आके देख सकते हैं। तो बाजारों में आप हल्का फुल्का व्यापार करके जरूर चलें। अगर खबर में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग मोबाइल पर तुरंत प्राप्त हो सके। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।